से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, एमएनए विहाड़ी ताहिर इकबाल चौधरी की खसूसी दिलचस्पी और कोशिशों से वर्ल्ड बैंक की जानिब से पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत बल्दिया विहाड़ी को 3.5 करोड़ रुपए लागत की 5 गाड़ियां फराहम कर दी गई। इस मौके पर म्यूनसिपल कमेटी में तकरीब का इनका किया गया और एमएनए ताहिर इकबाल चौधरी ने रिबन काटने के बाद गाड़ियों की चाबियाँ ड्राइवर्स के हवाले की। इस मौके पर ताहिर इकबाल चौधरी ने कहा कि अरसा दराज से वर्ल्ड बैंक की ग्रांट रुकी हुई थी, 1.5 अरब में से 70 करोड़ रुपए की रकम बल्दिया विहाड़ी के हवाले की गई है, जिसमें शहर की सफाई सुधराई के लिए 3.5 करोड़ रुपए की 5 बड़ी गाड़ियों की खरीदारी की गई है, जो आज बल्दिया ड्राइवर्स के हवाले की गई है ताकि सफाई का अमल मजीद बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत शहर की सड़कों की तमीर और तरक्की मरम्मत का मुकम्मल का काम भी बहुत जल्द शुरू किया जा रहा है। चीफ ऑफिसर बल्दिया अली अहमद साबर ने कहा कि ये तमाम गाड़ियां पंजाब म्यूनसिपल फंड डेवलपमेंट कमेटी के तहत मिली हैं, इनके मिलने से शहर को मजीद साफ सुथरा बेहतर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों को जदीद निज़ाम के तहत ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया जा रहा है ताकि कंट्रोल रूम के जरिए गाड़ियों की नकलो हरकत की मुकम्मल निगरानी हो सके। एमएनए ताहिर इकबाल चौधरी और चीफ ऑफिसर बल्दिया अली अहमद साबर ने गाड़ियों की चाबियाँ ड्राइवर्स के हवाले की। जी काम थी, हमारा शहर जो है आबादी बढ़ने के साथ साथ हमें मजीद मशीनरी की ज़रूरत थी, तो चलिए ताहिर इकबाल साहब की खुशी कावज के साथ हमें ये मजीद गाड़ियाँ मिली हैं 15 करोड़ की, हम मजीद गाड़ियाँ ले रहे हैं वो इनकी सुपरविजन के तहत, तो मजीद जो है उससे हम सफाई और सफाई का निज़ाम है वो बेहतर होगा और बल्दिया जो है आपकी खिदमत के लिए हर वक्त। प्रोग्राम है जो मैचिंग ग्रांट है, ये तकरीबन 1.5 अरब रुपया विहाड़ी शहर की आयश पे खर्च होना है, उसके अंदर सिर्फ गाड़ियाँ दी गई हैं और मज़ीद गाड़ियाँ भी इससे पहले भी दी गई थी और आई हैं 3.5 करोड़ की और मज़ीद गाड़ियाँ आनी हैं ताकि बिहारी शहर का जो सफाई सुथराई का काम है वो ऐसा तरीके से हो सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा सड़कों की जो है वो मरम्मत होनी है, वाटर सप्लाई, सीवरेज, सारे काम के लिए तकरीबन 1.5 अरब रुपया है जो बिहारी शहर के ऊपर खर्च हो रहा है, इससे और ये ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हमला है उनकी भी जिम्मेदारी की, ये 1.5 अरब रुपया है इसको इनकी जो सलाहियतें हैं वो भी इसके अंदर अगर शामिल होंगी तो बेहतर अंदाज से ये काम हो सकेगा। तो ये इनका भी इम्तहान है, हमारा भी इम्तहान है और ये हरियाणा बिहारी के लिए खुशखबरी है कि 1.5 अरब रुपया जो है खर्च होगा।